क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्केयर फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये दिया है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 18 का स्केयर है माइनस 17 का स्केयर। बच्चों इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो या तो आप किस तरह से निकालोगे, पहले 18 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उसका जो आंसर निकलेगा, फिर 17 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका आंसर जो निकलेगा, फिर उसमें से माइनस करोगे दोनों को, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका होता है, ये है बच्चों ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला भी यहाँ पे लग सकता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का भी फार्मूला लग सकता है। और इसका एक और तरीका है करने का, वो है अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्केयर दिए हैं, ठीक है, जैसे 17, 18, 19, 20, तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। किस तरह से, 18 में अगर मैं 17 को ऐड कर दूंगी तो आ जाएगा 35, और अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो भी इसका आंसर 35 ही आएगा। अब इसका अगला पॉइंट है 20 का स्केयर माइनस 19 का स्केयर। तो आप सीधे सीधे कर दो 20 प्लस 19, तो भी इसका आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 39। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको अभी डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कर लो, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों, 51 का स्क्वायर है और 50 का स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या करेंगे 51 और 50 को ऐड कर देंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा पूरा कैलकुलेट करने के बाद जैसे आता है, ठीक है, सेम है सारे क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 50 को 51 में ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 101, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 101। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, 31 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी हम ऐड कर देंगे 31 प्लस 30 तो आ जाएगा 61, ठीक है। इसी का फिफ्थ पार्ट है, इसको हम करेंगे 28 का स्क्वायर है और माइनस 27 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 28 प्लस 27 इक्वल टू होता है 55, ठीक है, तो इसका आंसर 55 आ जाएगा। तो इस तरह से होगा ये बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। इसका सिक्स पार्ट है 45 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर देंगे 45 प्लस 44 तो आ जाएगा बच्चों 89, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यूजिंग द पैटर्न 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121, 111 का स्क्वायर है 12321, और हमें फाइंड करना है अगला नंबर जो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, इस पैटर्न को समझ लेते हैं ताकि आपको करने में बहुत ही आसानी हो और आपको आसानी से समझ आ जाए मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है। इन्होंने क्या लिखा है, पहला 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 1 को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही होगा। इसी तरह से 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121, ठीक है। आप देखो 111 का स्क्वायर क्या होता है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है बच्चों 3 टाइम्स 1 है, ठीक है, 111 में 3 टाइम्स 1 है, 1 2 3, तो हम पहले स्ट्रेट काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 और उसके बाद रिवर्स, ठीक है, जितने 1 दिए होंगे ना उतनी तो स्ट्रेट काउंटिंग आ जाएगी, उसके बाद रिवर्स, ठीक है, आगे समझ। एक और एग्जांपल देखो, 4 टाइम्स 1 है यहाँ और इसका स्क्वायर, ठीक है, कितनी टाइम्स 1 है 4 टाइम्स, तो 4 तक तो आपको स्ट्रेट काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4, उसके बाद रिवर्स 3 2 1, ख़त्म, बस हो गया आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अब क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन ही है शायद, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, वही ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 5 टाइम्स 1 दिया है, 1 2 3 4 5, और इसका स्क्वायर, तो हमें क्या करना है 5 तक काउंटिंग लिखनी है, पहले काउंटिंग लिखनी है 5 तक, 1 2 3 4 5, लिखो 1 2 3 4 5, उसके बाद रिवर्स 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में
क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6, 6 times 1 दिया है। तो क्या करना है, 6 तो हमें स्ट्रेट काउंटिंग लिखनी है 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद रिवर्स, 5 4 3 2 1, हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पैटर्न समझ आ जाएगा तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। जितने टाइम्स 1 दिए हों उतनी बार तो स्ट्रेट काउंटिंग लिख दो और उसके बाद फिर रिवर्स 1 तक। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।